जब कोरोना काल में मजदूर भाई पैदल आ रहे थे। क्या लेना देना, मैं काशी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भी आज की बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे जैसे मजदूर का पैर धो रहे थे मोदी जी, तब तो आपको बड़ी तैसी थी। उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि पिछड़े और दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। इनको जब मुद्दों की बात करो तो हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान यही लेके आते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं है ना, तो फिर बात खत्म कैसे हो गई? काशी हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान को पैदल मरने के लिए छोड़ दो। एक मिनट, एक मिनट का पैर दो। एक मिनट, एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है कि सबसे ज्यादा थाने में पिछड़े और दलित आने वाले कार से पैदल चल रहे थे। गोलियां चलनी चाहिए थी, याद है आपने? आपको याद है दलितों का पैर धुल रहे थे मोदी जी? और एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उठा के पढ़िएगा ना, होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, देखिएगा क्या आया है। अच्छा नहीं लगा मजदूरों के साथ जो हुआ? नहीं, मुझे पर फूल बरसाए गए, मुझे बुरा लगा। संवाददाता अमन चोपड़ा जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आम तौर पर भाजपा सरकार की अगुवाई करते दिखते हैं, पत्रकार के स्वरूप में वो भाजपा के प्रवक्ता बनते फिर रहे हैं और भाजपा को भी इससे कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि उनकी पत्रकारिता ऐसी ही दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया काशी विश्वनाथ में, जिसमे गोदी मीडिया की तस्वीर लाइव डिबेट में निकल कर सामने आ रही है, जिसमे अमन चोपड़ा भी भाजपा सरकार के प्रवक्तागिरी करते पकड़े गए हैं। अमन चोपड़ा भी पीएम मोदी का लाइव कवरेज करने पहुंचे थे और वहां पर जब उन्हें कुछ खास भाजपा के पक्ष में दिखाने को नहीं मिला तो उन्होंने दो विपक्ष के नेता को खड़ा करके डिबेट छेड़ दी और हुआ यूं कि विपक्ष के नेताओं ने इन्हें जमकर धो डाला। विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी पर सवाल खड़ा कर दिया, पर अमन चोपड़ा ने इसकी खूबसूरती से पीएम मोदी और भाजपा सरकार को डिफेंड किया कि अच्छे अच्छे भाजपा प्रवक्ता भी नहीं कर पाते, इनका ये रूप देखकर भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ता भी इनके सामने पानी भरेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे विपक्ष की बात की अमन चोपड़ा को मिर्ची लगी, जब कहा गया कि काशी तो पहले भी था और आज भी है, मथुरा भी पहले था और आज भी है, मथुरा काशी में लुंगी और जालीदार टोपी का नारा लगाना शुरू हो गया है, ये तो पहले नहीं था अब शुरू हो गया। इस पे अमन चोपड़ा की क्या प्रतिक्रिया थी, आइए देखते हैं। यहाँ पे अमन चोपड़ा विपक्ष के नेता से बार बार पूछ रहे थे कौन सा नारा कौन सा नारा। हम आपको बता दें, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मथुरा के लिए एक विवादित बयान दिया, जालीदार टोपी और लुंगी वाले गुंडों से भाजपा सरकार ने निजात दिलाया है, ये देखिए। कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना है कि धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। या पूरा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था। अब यहाँ पे अमन ऐसे बात कर रहे थे कि ये वीडियो उन तक पहुँचा ही नहीं या इस बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं, बावजूद इसके वो बार बार वो पूछ रहे थे कौन सा नारा। उसके बाद मजदूरों पर पुष्प वर्षा की बात हुई, सवाल पूछा गया तब भी अमन चोपड़ा ने भाजपा की तारीफ की, वो एक ईमानदार भाजपा कर्ता की तरह लगे हुए थे अपने काम पर। वहाँ पे पत्रकारिता छोड़कर अमन चोपड़ा भाजपा के प्रवक्ता बने फिर रहे थे। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अमन चोपड़ा खड़े तो थे पत्रकार के तौर पे, पर काम भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर कर रहे थे। अब अमन इस तरह से पीएम मोदी को इस तरह से डिफेंड करेंगे तो सबको यही समझ में आएगा। अब सामने से सवाल आता है कि चुनाव के वक्त ही क्यों पीएम मोदी और उनकी पार्टी को दलित याद आते हैं। अब इस बात को पलटने की अमन चोपड़ा ने भरपूर कोशिश की, देखिए ये वीडियो। की जो उनकी कला है आज देखा आपने, उन्होंने क्या किया? अजबर जी कह रहे थे कि पैसे की बर्बादी है। नहीं नहीं, मजदूरों पे आज पुष्प वर्षा कर रहे हैं, भूल गए लॉकडाउन में कैसे गोलियां चलनी चाहिए थी ना, कार सेवकों पर फूल बरसा रहे जा रहे, दिक्कत हो रही है मजदूर का जो आज मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट हुआ है। पीयूष जी गलत पाए भाड़ा। यहाँ हमने देखा कि जितने भी पीएम मोदी के भक्त पत्रकार एक शब्द ना सुनना पसंद करते हैं ना अपने चैनल में दिखाना पसंद करते हैं। अमन चोपड़ा कहते हैं कि मजदूरों पर पुष्प वर्षा की और उनके साथ खाना खाया गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पे कोई दो राय नहीं है, पर देश का हर मजदूर सम्मान होना चाहिए क्योंकि देश का हर एक मजदूर जरूरी है।
काशी विश्वनाथ में जिन मजदूरों ने काम किया उन सभी मजदूरों की जानबूझकर मजदूरों की यूनिफॉर्म में खाना खिलाया गया और पुष्प वर्षा की गई। पर सोचने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों किया गया। अगर पीएम मोदी ने अपने साथ उन्हें खिलाकर अपने बराबर होने का दर्जा दिया तो फिर क्यों नहीं उन्हें उनकी साधारण कपड़ों में खाने को क्यों नहीं बोला गया। क्योंकि भाजपा पार्टी को सच में इवेंट मैनेजमेंट करना होता है। इस पर सवाल करने की वजह अमन चोपड़ा विपक्ष नेता पीयूष मिश्रा को बोलते हैं, आपको दर्द हो रहा है यहाँ पे। इसने सामने से लॉकडाउन में मजदूरों पर सवाल किया तो बोलते हैं, यहाँ पर काशी की बात हो रही है, आप लॉकडाउन की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए वीडियो लगा जब कोरोना काल में मजदूर भाई पैदल आ रहे थे। का क्या लेना देना, मैं काशी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भी आज की बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे जैसे मोदी जी तब तो आपको बड़ी हितैषी थी। उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि पिछड़े और दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। इनको जब मुद्दों की बात करो तो हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान मुसलमान। यहाँ पे गजब फजीहत हुई अमन चोपड़ा की, क्योंकि इन्हें पीएम मोदी की जी हुजूरी करने से फुर्सत मिले तब तो ये असल मुद्दों पर सवाल करेंगे। भाजपाइयों से असल मुद्दों पर बात करो तो वो बात को टाल देते हैं, और गोदी मीडिया से मुद्दे बताएंगे तो वो सब दबा देते हैं। गोदी मीडिया इस तरह से डिफेंड करेगी जैसे आपने सरकार को नहीं इन्हें ही कुछ कह दिया है। अपनी डिग्निटी को दांव पर लगाकर कैसे अमन चोपड़ा लड़ बिड़ रहे हैं, आइए देखते हैं ये वीडियो। लेके आते हैं काशी हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। नहीं है ना, तो फिर बात खत्म हो गई। बात खत्म कैसे हो गई? काशी हिंदू मुसलमान, अयोध्या हिंदू मुसलमान को पैदल मरने के लिए छोड़ दोगे? एक मिनट, आपने देखा इस तरह से बौखलाती है गोदी मीडिया। यहाँ पे वो क्या गलत कह रहे थे, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लो क्या हाल है दलितों की, कितनी दुर्दशा हो गई है। पर पीएम मोदी के आगे गोदी मीडिया वालों के लिए कोई भी रिपोर्ट मायने नहीं रखती है, चाहे वो मजदूरों के लिए हो या दलितों के लिए हो। सीधे इनके गुरूर को ठेस लगती है कि कैसे पीएम मोदी के खिलाफ सवाल रख दिया, कैसे किसी की हिम्मत हो गई सवाल करने की। हमें तो लगता है ये विचारधारा मिटाना बहुत जरूरी है। देश पहले ही गर्त में ले जा चुकी है मोदी सरकार, ये गोदी मीडिया और देश को गर्त में ले जाएंगे। पीएम मोदी काशी गए, वहाँ के लोगों में कितना रोष है, साधुओं में कितना रोष था, ये सब गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। इस खबर में सिर्फ इतना ही। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहें MIM News Express के साथ।